एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग, कैसा बीता आपका वीकेंड, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये जो वीडियो है ये लास्ट संडे की शूट है और अभी मॉर्निंग टाइम हो रहा है, एकदम अर्ली मॉर्निंग है। उठ गई हूँ मैं सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह ना यहाँ पे पानी आता है तो हमको भरना पड़ता है, इसीलिए 6 बजे चाहे संडे हो चाहे सैटरडे हो 6 बजे सुबह उठना ही पड़ता है। पिछले कई महीनों से मुझे एक जो क्वेश्चन नहीं कहूँगी, एक रिक्वेस्ट जो है सेम पर्सन के थ्रू, सेम आईडी के थ्रू बार बार आती है। ओवर 30 to 35 मैसेजेस मैं उनके पढ़ चुकी हूँ कि आप सुबह सुबह उठ के जैसे और ब्लॉगर्स उठते हैं और मुंह हाथ धोते हैं एंड देन अपना डे स्टार्ट करते हैं, आप वैसे क्यों नहीं करते हो अपने वीडियो की बिगनिंग, तो आप वैसे करके बताओ। उनका नाम ओविश शेख है और उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैंने ये आज का वीडियो बनाया है, तो मैंने एकदम अर्ली मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गुड वाइब्स का ऑरेंज ब्लॉसम इल्यूमिनेटिंग फॉर्मिंग फेस वॉश, जो कि मैंने अपनी ट्रिप से पहले दिखाया था कि मैंने मंगाया है, ये मैंने खुद मंगाया था, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, यूज़ कर रही हूँ। और इसमें ऑरेंज की जो भीनी भीनी खुशबू है वो बहुत अच्छी लगती है और फॉर्म जो इसमें बन के आता है ना वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ये ऑरेंज में मंगाया था, पर इसमें और भी कई ऑप्शंस हैं, एग्जैक्टली कितने हैं मुझे नहीं पता, आप लोग वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। मैं ये वाले का, ऑरेंज वाले का आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को देखना हो तो वहां से देख सकते हैं। तो सुबह सुबह बिना पानी की मेरी शुरुआत कभी नहीं होती है, चाहे वो प्लेन वाटर हो, चाहे लुकवार्म वाटर हो या चाहे लेमन वाटर हो, इन तीनों में से कुछ ना कुछ मैं मॉर्निंग में ज़रूर लेती हूँ। और फर्स्ट मील में कभी चाय पहले ले लिया करती थी, लेकिन अब बिल्कुल मैंने छोड़ दिया है। तो कुछ ना कुछ फर्स्ट मील होता है, या तो मेरा कोई फ्रूट होता है, अगर घर में कोई फ्रूट अवेलेबल नहीं है तो मैं आलमंड्स हैं उनको सोक करके रख लेती हूँ और वो 5 से 6 आलमंड्स मॉर्निंग में खाली पेट खा लेती हूँ। तो चाय पीने से पहले कुछ ना कुछ खाना बहुत ज़रूरी है। 15-20 मिनट रुक करके मैं चाय चढ़ा देती हूँ, हस्बैंड भी उठ चुके होते हैं, अपना पानी वगैरह वो सब पी चुके होते हैं, उसके बाद फिर हम दोनों साथ में चाय पीते हैं। और ये चाय जो मैं दिखा रही हूँ, तो जो मैं वाघ बकरी चाय पीती हूँ उसके अंदर मैंने जो मैं लेकर आई थी नैनीताल से चाय की पत्तियाँ, वो मैंने उसके अंदर मिक्स कर दी हैं, तो ये चाय इतनी फ्लेवरफुल बन गई है मैं बता नहीं सकती। मतलब मैंने चाय पीना लगभग 1 महीने से छोड़ दिया था, मेरा मन नहीं करता था चाय पीने का, और जब से मैं ये चाय पत्ती लेके आई हूँ ना, फिर से मैं दिन में 2-3 बार चाय पीने लगी हूँ, तो इतना बेहतरीन स्वाद इसका हो गया है। और उसके बाद फिर हम लोग ने नहाया धोया, सब लोग रेडी हुए, सिद्धार्थ की मॉर्निंग में क्लास थी, हमने उसको क्लास भी करवा दी, और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं सरोजनी नगर। तो सिद्धार्थ इतना सुस्त, इतना उदास टाइप का इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि उसको कार की स्मेल से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे भी कार की स्मेल से प्रॉब्लम है। और कार की स्मेल से मेरा मतलब है कि कार की जो अपनी स्मेल होती है, किसी गंदगी की या किसी चीज़ की स्मेल नहीं, कार की अपनी एक स्मेल होती है, उसके अंदर जो भी प्लास्टिक या कुछ भी यूज़ हुआ होता है उसकी जो स्मेल होती है ना, उससे उसको प्रॉब्लम होती है, मुझे भी प्रॉब्लम होती है। इसके लिए, इस चीज़ को कम करने के लिए हमने क्या नहीं किया, इवन हस्बैंड ने क्या किया था, लेदर के हमारे एकदम न्यू सीट कवर्स थे वो हटवा करके उन्होंने कपड़े के सीट कवर लगवाए, वो लेदर के सीट कवर उन्होंने किसी को दे दिए और उन्होंने कपड़े के सीट कवर लगवाए, क्योंकि हमें लग रहा था कि शायद उसकी स्मेल आती होगी।
बट मुझे लग रहा है गाड़ी के अंदर ही जो चीज़ें होती हैं जो प्लास्टिक से बनी होती हैं उनकी कुछ अपनी स्मेल होती है वो, क्योंकि हमने बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस भी ट्राई कर लिए, कार फ्रेग्रेंस जो आते हैं, पर उससे भी कोई हेल्प नहीं मिली। तो किसी को अगर पता हो कि ऐसी स्मेल को कैसे काटा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपनी कार को फ्रेश रखने के लिए और स्मेल फ्री रखने के लिए क्या करते हैं। स्मेल किसी और चीज़ की है, किसी गंदगी की नहीं है, ये कार में जो अपनी चीज़ें लगी हुई है ना उनकी प्लास्टिक की लेदरिश टाइप की स्मेल आती है। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ और मुझे कोई सोल्यूशन ज़रूर बताएंगे। और देखिए हम लोग पहुंच गए हैं सरोजनी नगर में, बहुत ही मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग हम लोग पहुंचे थे, आई थिंक 12 o'clock के अराउंड हम लोग यहाँ थे। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है लेकिन सरोजनी के लिए अर्ली है बिकॉज मार्केट ही 11 बजे लगना स्टार्ट होता है। मैंने सोचा था कि इतना अर्ली जाएंगे तो बहुत ज़्यादा रश नहीं होगा, लेकिन अच्छा खासा रश था। मुझे लगता है सब यही सोच के आए होंगे कि चलो मॉर्निंग में जाएंगे, अर्ली थोड़ा सा जाएंगे तो रश कम होगा, लेकिन अच्छा खासा रश था और हमको अराउंड 1 घंटा लगा। 1 घंटा में मुझे जो दो चार चीज़ें खरीदनी थी मैंने खरीद ली और 1 घंटे के बाद तो इतना रश हो गया था कि चलने में एक दूसरे से लोग टकरा रहे थे। तो देखिए आप थोड़ा सा आनंद लीजिए इस मार्केट का कि कैसी है ये मार्केट। तो यहाँ पे ये सैंडल्स बैलीज फुटवेयर्स जितने भी हैं सब मोस्टली 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये की रेंज में होते हैं। इससे और ऊपर भी होते हैं, 400, 450, 500 की रेंज में भी होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, मैंने लिए हैं। बेसिकली मुझे एक सेट चाहिए था शूज़ का भी, वो मुझे शूज़ दिखे नहीं, जितनी जगह मैं घूमी मुझे वहाँ नहीं दिखे तो शूज़ मैं नहीं ले पाई। बाकी देखिए पूरा मार्केट इतनी जल्दी भी खचाखच भरा हुआ है। इस जगह पे ना बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी प्यारी एयररिंग्स थी। मेरा हमेशा लेने का मन करता है और मैं जो चांदनी चौक से एयररिंग्स लेकर भी आई थी वो भी मैं कभी नहीं पहनती हूँ क्योंकि मेरे ना कान में प्रॉब्लम है, मुझे एलर्जी है आर्टिफिशियल चीज़ों से। मुझे या तो सिर्फ गोल्ड सूट करता है और सिल्वर में भी कई बार मेरे कान पक जाते हैं, तो मुझे सिर्फ गोल्ड सूट करता है कि छोटे छोटे गोल्ड के कान में डाल के रखो, अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल भी आर्टिफिशियल कोई चीज़ सूट नहीं करती है। अगर मैं घंटे 2 घंटे भी पहन लूँ ना तो मोटे मोटे से कान पक जाते हैं मेरे, तो इसीलिए मन करता है, देख के अच्छे लगते हैं पर कभी ख़रीद नहीं पाती हूँ, और जो खरीदती हूँ वो पड़े रहते हैं उनको मैं पहन नहीं पाती हूँ। तो ये रही गॉगल्स की शॉप, जहाँ ये बताते हैं आपको 250-300 रुपये, लेकिन 100-150 के अंदर ये हमेशा दे देते हैं। और ये है बेडशीट की शॉप जहाँ से मैं हमेशा बेडशीट्स ख़रीदती हूँ और यहाँ की जो क्वालिटी है मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं ऑलरेडी यहाँ की बेडशीट 3-4 यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत बढ़िया क्वालिटी निकली, लगभग 2 साल से चल रही है। तो ये शॉप है, नंबर मैंने इनसे पूछा है, शॉप नंबर 136 है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है बेडशीट वगैरह लेना चाहता है तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आए। हमने बेडशीट वगैरह ली, सारा सामान जो भी मैंने ले लिया, कई काफ़ी सारा सामान लिया है, शूट नहीं कर पाई हूँ वो आगे मैं अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। और हम लोग सारा सामान ले करके पार्किंग की तरफ ही जा रहे थे तभी एकदम झमाझम बारिश स्टार्ट हो गई, लगभग 15 से 20 मिनट तक बारिश हुई, तो हम थोड़ी देर वहाँ पे शेड में रुक गए थे, उसके बाद निकल करके आए हैं। और अभी हम पी रहे हैं कुल्हड़ वाली चाय जो कि ठीक मार्केट के बाहर जहाँ पार्किंग वगैरह है वहीं पे लगाती हैं, एक लेडी हैं जो लगाती हैं, मतलब मैंने यहाँ से कभी पी नहीं है, मैं
फर्स्ट टाइम आज ट्राई करने जा रही हूँ। तो मौसम इतना अच्छा हो गया था और ऊपर से कुल्हड़ वाली चाय देखी तो पीने का मन कर गया। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा रुक करके, मौसम एकदम साफ़ सुथरा सा हो गया ना, जब बारिश होती है तो लगता है कि हवा की एक एक डस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो देखने में भी सारी चीज़ें एकदम फ्रेश फ्रेश लगती हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा बैठे हैं हम लोग, गपशप कर रहे हैं और चाय का वेट कर रहे हैं। और सीरियसली जितना एक्साइटेड होके हमने चाय ऑर्डर किया था वैसी बिल्कुल भी नहीं निकली है, बिल्कुल भी अच्छी चाय नहीं थी। कुल्हड़ का भी कोई स्वाद नहीं आ रहा था और बेसिकली जो चाय अंदर थी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, फुल्ली पैसे वेस्ट हो गए। उसके बाद हम निकल चुके हैं घर की तरफ। अभी 4 बजने में 5 मिनट बाकी हैं और अभी हम घर आए हैं। आप हालत मेरी देख सकते हैं, पूरा पसीना पसीना हो रखी हूँ मैं। और मैंने सोचा कि आ करके मैं तुरंत सामान वगैरह दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर रह जाता है। तो सबसे पहले मैंने सरोजनी से ये लिए गॉगल्स, क्योंकि जो गॉगल्स मैं लगा रही थी वो मेरे पास एक ही थे और वो छूट गए नैनीताल में, पता नहीं कहाँ छूट गए, ना मुझे रूम पर ना अपने किसी बैग पर कहीं भी नहीं मिले, मुझे समझ ही नहीं आया कि वो गए कहाँ। तो ये एक ज़रूरी रहता है मेरे लिए क्योंकि मेरी आईज़ बहुत सेंसिटिव हैं, तो मुझे धूप बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, तो इसी वजह से मुझे ये बहुत ज़रूरी रहता है कहीं भी मैं जाऊँ तो गॉगल्स एक चाहिए होते हैं। ये बहुत ही सस्ते से हैं, 250 का उन्होंने बताया था, बार्गेन करने पे 100 रुपीज़ का दिया है। तो सबसे पहले मैंने जाते ही ये ख़रीदा वहाँ पर। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, मैंने मिंत्रा से कुछ शूज़ ऑर्डर किए थे जो कि मेरे साइज़ के नहीं मिले और उनको मैंने एक्सचेंज करके दूसरा साइज़ भी ऑर्डर किया पर वो भी मुझे छोटे हो गए थे, तो मैंने उनका रिटर्न ही डाल दिया फिर, क्योंकि उससे बिगर साइज़ जो था वो अवेलेबल ही नहीं था। तो मुझे शूज़ चाहिए थे, कुछ बैलीस चाहिए थी, तो एक बैली तो जो मिंत्रा की थी वो मैंने रखी है। मैंने 3 टोटल ऑर्डर की थी, 2 बैलीज़ ऑर्डर की थी और 1 शूज़ ऑर्डर किया था, तो 2 बैलीज़ मैंने रिटर्न कर दी हैं और 1 तो मैंने यूज़ कर ली थी नैनीताल में, तो वो बस मैंने रखी है। कुछ कुछ एक ही पैटर्न में मैंने 2 ली हैं बिकॉज मुझे बैलीज़ ज़्यादा पसंद आती हैं, जो खुले सैंडल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में मैं बैलीस पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो एक ये लिया है मैंने ब्लैक कलर में, सनील टाइप का जो कपड़ा आता है ना वैसा कुछ फील है, दोनों ऐसी ही हैं बट कलर और पैटर्न चेंज है। तो ये एक लिया है, ये 200 रुपीज़ की हैं और मेरा साइज़ 41 है इनमें, 200 रुपीज़ की है, बहुत ही सुंदर सी है, मुझे बहुत पसंद आई ये वाली। और एक मैंने ये ग्रे कलर में ली है, ये भी 200 रुपीज़ की है, तो 400 में ये दोनों हैं। इनका जो ऊपर का फैब्रिक है ये सेम है दोनों का, बस कलर चेंज है और पैटर्न चेंज है। तो ये मेन जो मैं गई थी, मुझे एक तो अपने लिए सनग्लासेस लेने थे और दूसरा ये बैलेंस लेनी थी, और सबसे इम्पॉर्टेंटली जो मुझे लेना था वो था बेडशीट्स, क्योंकि पता नहीं मैंने शायद पहले मेंशन किया है, नहीं मुझे याद आ रहा है, जैसे मैंने वीडियो में बताया है मेरी जो सारी की सारी बेडशीट्स हैं वो एकदम ख़राब हो चुकी हैं, मतलब ऐसे ख़राब नहीं हुई हैं लेकिन क्या है कि कहीं से फट गई हैं, या 2 बेडशीट में तो एक में मेरे से गलती से प्रेस लग गया और एक में मेरे हस्बैंड से प्रेस लग गया था तो वो वहाँ से फटने लगी हैं, और 2-3 पुरानी होने की वजह से फटने लगी हैं। तो मेरे पास 2 या 3 ऐसी बेडशीट हैं जो सही सलामत हैं पर वो भी पुरानी हो चुकी हैं, तो जैसे कोई आता जाता है या थोड़ा स्पेशल ओकेज़न हो, घर सजाने का मन हो, तो उस टाइम के लिए मेरे पास बेडशीट्स नहीं थी, तो मैंने बेडशीट खरीदी हैं ढेर सारी, इतनी भी ढेर सारी नहीं, मतलब 4 बेडशीट्स ली हैं मैंने, और मैंने वहाँ पर दिखाया भी था आपको कौन से मैंने शॉप नंबर से ली हैं बेडशीट्स। वहाँ पे बहुत सारी कलेक्शन होती है और वहाँ की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है,
तो मेरे पास पहले से जो 3 बेडशीट्स हैं, मेरी वीडियो में आप लोग देखते भी हैं और कई बार कमेंट आते हैं कि ये बेडशीट आपने कहाँ से लिया है, तो वो वाली बेडशीट्स जहाँ से मैंने ली थी, मैंने ये बेडशीट्स भी वहीं से ली हैं। और इसलिए लिए क्योंकि 1.5-2 साल पहले जब मैंने वहाँ से ख़रीदी थी और अभी तक वो चल रही हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकली, कलर वगैरह भी कुछ ख़राब नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं उसी शॉप पे गई थी। और वहाँ बहुत भीड़ रहती है तो उनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी उनका एड्रेस वगैरह भी यहाँ पर है, उनका शॉप नंबर भी लिखा हुआ है 136 सरोजिनी नगर मार्केट न्यू दिल्ली, और ये उनका फ़ोन नंबर भी है, तो अगर किसी को चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और शॉप का नाम है नीलम कलेक्शन, नीलम कलेक्शन, शॉप नंबर 136। बेडशीट रहता है, बेड कवर, पिलो कवर, टॉवल, ब्लैंकेट्स, ये सब रहते हैं। तो मैं दिखा देती हूँ कौन कौन सी बेडशीट्स ली हैं मैंने। तो सबसे पहले ये एक बेडशीट ली है, मुझे वाइट कलर की प्लेन एकदम लाइट कलर की बेडशीट चाहिए थी। ये वाइट नहीं है, थोड़ा सा ऑफ वाइट टाइप का है और ये छोटे छोटे पैटर्न्स बने हुए हैं इस पर। इसके पिलो केस दिखा देती हूँ मैं कैसे हैं। इसके पिलो कवर ऐसे हैं, ये बैक साइड है, बैक साइड से ऐसे सिंपल जैसे कि बेडशीट है वैसे हैं, और जो इसकी फ्रंट साइड है उससे इस तरीके के हैं कुछ। और ये प्योर कॉटन है, कपड़ा काफ़ी अच्छा है और उसको मतलब हमारी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं घप्स कपड़ा है, मतलब स्ट्रेंथ वाला कपड़ा है थोड़ा कॉटन का। कॉटन के कई तरीके के कपड़े आते हैं जो एकदम झिलझिल टाइप के भी होते हैं, वैसा नहीं है, स्ट्रेंथ है कॉटन के अंदर। तो ये है, ये मैं कभी कभी बिछाऊंगी क्योंकि जब छोटे बच्चे घर में होते हैं ना, खासकर मेरा बच्चा, वो बहुत इधर उधर बेड पे, क्योंकि हमारा मेन जो हम दोपहर के बाद का समय होता है वो सारा बेड पे पढ़ाई लिखाई ये सब काम वाम सब चलता रहता है, तो इसलिए मेरी बेडशीट कुछ ज़्यादा ही गंदी होती है और ख़राब होती हैं। तो ये मैं कभी कभी ओकेजनली बिछाऊँगी क्योंकि वाइट कलर है। अच्छा, प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ, ये जो बेडशीट है जो मैंने अभी दिखाई वाइट कलर की, ये हमको पड़ा है 650 का, 650 का। तो ये 3 बेडशीट जो है वो सेम प्राइस की हैं, 650, 650, 650। और ये वाली जो है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ये पड़ी हमको 1250 की, तो मैं भी दिखाऊँगी। तो सेकेंड बेडशीट जो है वो है ये इस तरीके की, और ये जो बेडशीट है बाहर हैंग करके रखते हैं वो, उसमें आपको 650-750 की रेंज मिल जाएगी। 450 वाली भी बेडशीट होती हैं, लास्ट जब मैं गई थी तो मैंने एक 450 की भी ली थी, वो भी बहुत अच्छी खासी मेरी चली और अभी भी वो ख़राब नहीं हुई है, तो वो मैंने ली थी। ये 650 की रेंज की है, ये सारी बाहर टंगी रहती हैं और जब आप अंदर जाते हो तो अंदर आपको सिल्क मिल जाता है, उसके अलावा दौड़ जो होती हैं कंफर्टर्स जो आते हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, केसमेंट की बेडशीट्स मिल जाती हैं, अलग अलग तरीके के सेपरेट पिलो कवर्स भी उनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे होते हैं, कुशन कवर्स होते हैं। और अंदर जाने के बाद उन्हीं की शॉप में अंदर जाओ तो रेट थोड़े से हाई हो जाते हैं, बाहर जो है वो 450 से लेके 650-750 इस टाइप की जो रेंज होती है इसमें आपको मिल जाते हैं। ब्लैंकेट्स भी काफ़ी सारे थे वहाँ पर। तो ये है सेकेंड, ये भी कलर मुझे पसंद आया और थोड़ा सा येलो हमारी वॉल से मैच कर जाएगा, तो ये किया है। इसका जो पिलो केस है वो एकदम सिंपल है, मतलब सेम पैटर्न है बिल्कुल, इधर से भी और इधर से भी ऐसे ही है। तो ये मुझे लाइट लाइट कलर ये काफ़ी पसंद आया, तो ये दूसरी बेडशीट है। उसके बाद ये थर्ड बेडशीट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, हस्बैंड को थोड़ी कम जच रही थी पर मुझे इतनी पसंद आई कि मुझे इसको लेना ही था। ये भी 650 की है और ये पूरा यही पैटर्न है, इस पर पत्तियाँ बनी हुई हैं, बेल और उसके साथ में पत्तियाँ बनी हुई हैं और ग्रेइश कलर है, ये ग्रे कलर है, इसके ऊपर हल्के पर्पल धब्बे हैं और वाइट कलर है, तो आप देख सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी लगी बेडशीट, एक 3D टाइप का लुक मुझे लग रहा है इसमें, देखिए आपको भी लग रहा हो शायद। तो ये बेडशीट है और सेम इसके पिलो कवर हैं, कॉटन और कपड़े की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बाकी इनका पूरा जो प्रॉपर लुक है वो जब मैं बिछाऊंगी तभी पता चलेगा, अभी हिम्मत नहीं है कि मैं एक एक बिछा के दिखा पाऊँ, पर मेरे व्लॉग्स में जैसे जैसे मैं इनको बिछाती रहूँगी, यूज़ करती रहूँगी, वैसे वैसे आपको इनका पता चलता जाएगा लुक कैसा आ रहा है। तो ये बताना आपको कैसी लगी, ये मुझे बहुत पसंद आई है। उसके बाद ये थोड़ी सी महंगी बेडशीट है, ये है 1250 रुपये की और वहाँ पर बार्गेन बिल्कुल नहीं चलता, एक पैसे का भी बार्गेन नहीं होता है, तो आपको जितना वो लोग बताते हैं उतना ही पे करना पड़ता है, कार्ड वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, कैश भी चलता है और कार्ड भी चल जाता है, तो
हमने कार्ड से ही पे किया इस बार भी और लास्ट टाइम भी हमने कार्ड से ही पे किया था। बाकी सरोजनी नगर में मोस्टली 99% जो है कैश चलता है, बट कुछ एक जो शॉप्स हैं उनमें कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, जैसे ये वाली बेडशीट की शॉप है तो इसमें कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। तो ये वाली बेडशीट है, इसको मैं ओकेजनली यूज़ करूँगी और ये इस तरीके से है। इसका भी लाइट कलर है, मैंने इस पर कोई भी डार्क कलर की बेडशीट नहीं ली है क्योंकि मैं लाइट कलर ही बेडशीट में प्रेफर करती हूँ, उससे रूम भी थोड़ा बड़ा लगता है। और पता नहीं क्यों डार्क कलर का बिल्कुल बेडशीट यूज़ करने का मन नहीं था, बिल्कुल मन हट सा गया डार्क कलर की बेडशीट से, तो इसीलिए सारे कलर मेरे जो है वो लाइट हैं। तो ये भी है, ये भी कुछ एक मैच करेगा मेरी वॉल से, इसमें भी थोड़ा सा येलो जो है दिया हुआ है। तो ये बेडशीट है, ये तो आपको इसका लुक यहाँ से पता चल जाएगा, इसे खोल के नहीं दिखा रही हूँ मैं, ऐसा ही है। बाकी प्रॉपर लुक जब मैं इसका इस्तेमाल करूँगी तो आपको पता चलेगा। तो ये चार बेडशीट हैं जो मैंने ख़रीदी हैं। उसके बाद ये लिया है मैंने सिद्धार्थ का ब्लैक बोर्ड, बोर्ड नहीं एक्चुअली उसके पास वाइट बोर्ड है पर हैंग करने की घर में कहीं जगह नहीं है तो वो मैंने अंदर रखा हुआ है। पर इस टाइप का उसने ये जो पेपर वाले आते हैं ये 50 रुपीज़ का लिया, 150 रुपया उन्होंने बताया था पर बार्गेन करते करते उन्होंने ये 50 में दे दिया, तो ये 50 रुपीज़ का ये लिया है। उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कहीं भी जाऊं और मुझे किचन का सामान कुछ पसंद ना आए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं कहीं जा रही हूँ तो किचन का कुछ ना कुछ सामान तो लेके आऊँगी ही आऊँगी। तो ये मैंने कप्स लिए हैं, ये कप बहुत ही बड़े से हैं, इसको आप एज अ सूप कप भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्वियसली टी भी पी सकते हैं, कॉफ़ी भी पी सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं। और ये बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के कप हैं। और ये जो ब्लू पैटर्न है ना ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वाइट एंड ब्लू। तो ये मैंने दो लिए हैं, आज जो शाम की चाय है वो इसी में होने वाली है। तो ये है दो कप। हाँ, और ये कप का जो प्राइस है वो है 50 रुपये का एक, कोई बार्गेन नहीं चला। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनको 80 रुपीज़ में 2 तक कन्विंस कर लूँ पर नहीं, बिल्कुल भी बार्गेन नहीं चला। तो ये मुझे 50 का एक और पेयर पड़ा है 100 रुपीज़ का, क्या बोलते हैं इनको, जामुन। उसके बाद मेरी फ्रेंड है उसकी बेटी का बर्थडे, उसके लिए मैंने लिया है एक ब्लैक बोर्ड जो बोर्ड फॉर्म में आता है, इसमें ब्लैक और वाइट दोनों बोर्ड हैं। तो ये मैंने पैक करवाया है, इसको पैक करवा दिया है मैंने। तो आप अपनी ईवी नहीं दिखाओगे? ईवी क्या नाम है उसका? ईवी दिखाता हूँ। सिद्धार्थ एक्चुअली एक बार सरोजनी गया था तो वो अपने फ्रेंड के लिए बर्थडे गिफ्ट लेके आया था ईवी। तुम टीवी में आओगे? और मतलब डेढ़ साल, हाँ एक साल हो गया, एक साल पहले की बात है। और उसके बाद इसका मन कर गया कि मुझे भी, अब वो उसके घर पे गया, उसने उसको देखा और इसका मन कर गया कि मुझे भी ईवी चाहिए। तो ये ईवी सरोजनी नगर में ही मिलती है तो ये भी मकसद था जाने का, क्योंकि इसको ये ईवी दिलानी थी। और ईवी दिलानी थी क्योंकि इसका जो फेवरेट टेडी बियर है वो नैनीताल में ही छूट गया था हमसे, गलती से रह गया था। और मुझे भी बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हो रहा है अभी भी, जब भी मैं फ़ोटोज़ में उसको देखती हूँ ना। हमने एक जगह पहाड़ के किनारे पे उसको बिठा दिया था और फिर हम पिक्चर्स क्लिक करने लगे थे और बस पिक्चर क्लिक की और हम वहाँ से निकल गए और हम उसको उठाना ही भूल गए, सिद्धार्थ भी और हम सब लोग भी। और वो बेचारा वहीं रह गया और वहाँ से 10-15 किलोमीटर आगे जाके हमको याद आया कि हम उसको वहाँ भूल गए। तो सिद्धार्थ भी बहुत दुखी हुआ और मैं भी बहुत दुखी हो गई थी क्योंकि वो मेरा फेवरेट टॉय था, मेरा भी फेवरेट टॉय था। सिद्धार्थ बहुत छोटू सा था तब वो टॉय उसको गिफ्ट में मिला था, किसी नेबर ने दिया था, और तब से मतलब इतना प्यारा क्यूट सा था और उसके कपड़े वपड़े भी थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो शायद वैसा कहीं सिमिलर मिले तो मैं ज़रूर खरीद लूँगी सिद्धार्थ के लिए। तो फिलहाल इसको खुश करने के लिए ऑलरेडी हम इसको एक गन सेट दिला चुके हैं, पर इसको ये ईवी लेने का भी मन था। इसका नाम एक्चुअली ईवी नहीं है, इसने रखा है सिद्धार्थ, तुमने रखा है ईवी? हाँ, क्यों ईवी रखा है इसका नाम? अच्छा पोकेमोन देखते हो, उसमें ईवी है क्या कोई? हाँ उसमें ही है वैसे। पोकेमोन कार्टून में कोई ईवी होगी तो ये है ईवी, ये 100 रुपीज़ के लेके आया इसे। ये लो अपनी ईवी ले जाओ। ओके तो बस आज का जो हमारा डे था संडे कुछ ऐसे स्पेंड हुआ, कुछ स्पेशल तो कुछ बनाया नहीं है, शाम को भी कुछ स्पेशल बनने वाला नहीं है क्योंकि सिद्धार्थ का कल एग्ज़ाम है। वैसे तो मैंने सारी तैयारी जो है वो करवा दी है उसकी एग्ज़ाम की, पर थोड़ा बहुत रिवीजन होता ना वो बाकी है अभी,
तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर ले, उसके बाद मैं उसको 2 घंटे तक लगभग पढ़ा दूंगी तो कल के लिए एग्जाम रेडी हो जाएगा। तो इसीलिए बाकी और कुछ ताम झाम खाने पीने का आज नहीं कर रही हूँ। मैं ये जो वीडियो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली ये थोड़ा सा जो मेरा शॉपिंग ब्लॉग था आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो मेरी शॉपिंग थी ये भी पसंद आई होगी। आपको कौन सी बेडशीट सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे बताइएगा, और आप भी एक बार जाइए सरोजिनी नगर। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो एक बार मस्ट गो है कि आप सरोजिनी नगर जाएं और चेकआउट करें वहाँ की चीज़ों को। हर चीज़ बहुत ही चीप एंड बेस्ट प्राइस पे वहाँ पे मिल जाती है, और क्वालिटी वाइज भी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो बेलीज है मैं कई बार खरीद चुकी हूँ 200 रुपीज़ की, 150 रुपये की। कंफर्टेबल भी काफ़ी होती हैं, ऐसा नहीं कि कंफर्टेबल नहीं होती हैं, सस्ती मिल रही हैं तो कंफर्टेबल भी होती हैं और चलती भी हैं काफ़ी दिनों तक। तो 200 रुपीज़ में वैसे भी हम लोग 2-3 महीने कोई भी चीज़ पहनते हैं तो बोरियत आने लगती है, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा महंगी चीज़ें लेने में अच्छा नहीं लगता कि सालों साल चलेंगी चीज़ें लेकिन क्या होगा, आप बोर तो हो जाओगे ना। तो इसीलिए 200 की लो, 3-4 महीने पहनो और उसके बाद थ्रो कर दो, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये 2 बेलीज मैंने ली, फर्स्ट टाइम मैंने मिंत्रा से मंगाई थी बेलीस, वो भी अच्छी थी, क्वालिटी वगैरह सब अच्छा था प्राइस के हिसाब से, बट साइज़ उसमें अवेलेबल नहीं था मेरा। तो बस चलिए ये जो वीडियो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।